अमरोहा के जोया नेशनल हाईवे पर दिल्ली से रिक्शे से आ रहा सुल्तानपुर के लिए प्रवासी मजदूर। जोया नेशनल हाईवे पर दिल्ली से पैदल रिक्शे द्वारा आ रहा प्रवासी मजदूर सुल्तानपुर के लिए हुआ रवाना। जानकारी करने पर प्रवासी मजदूर ने बताया कि मैं दिल्ली से पैदल रिक्शे द्वारा आ रहा हूं और मुझे सुल्तानपुर जाना है। मजदूर ने कहा कि रास्ते में मुझे पुलिस ने रोका था और मैंने उनसे सहायता मांगी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की, जिससे मैं दिल्ली से पैदल रिक्शे द्वारा जोया पहुंचा हूं और मुझे सुल्तानपुर जाना है। प्रवासी मजदूर ने कहा कि रास्ते में खाने की व्यवस्था हो रही है लेकिन किसी वाहन की व्यवस्था नहीं हो रही है। आप? हम दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हमें जाना है सुल्तानपुर। तो आप पैदल ही आ रहे हैं रिक्शा चला के? पैदल जा रहे हैं, क्या करें। तो आपको रास्ते में किसी ने आपको रोका नहीं? हमको जो है रात के 1 बजे पुलिस वाले ने ले जाके दिल्ली वाले जो था ना वो लोग उसने रोक दिया। सुबह बोला था 8 बजे बस लगाएंगे परिवहन, उसके बाद में साइकिल वाले बोला जिसको साइकिल रखना है छोड़ दो और बस पे बैठ लो, जिसको ले जाना हो ले जाओ। तो साइकिल वाले को गजरौला में बैठा दिया, ठेला वाले को नहीं बैठाया। तो आपको नहीं बैठाया? ना, 3 तरह का ही जनता को बैठा दिया, जो है मजदूर को हमको नहीं बैठाया। तो आपको ऐसी भेज दिया वहाँ से? हाँ, ऐसे भेज दिया, अगर चढ़ा देता तो चढ़ जाता, हम भी उसी में हल जाते। हम चलाते आ रहे हैं, बताओ सर जाना है मेरे को जो है सुल्तानपुर। आपने खाना पीना खाया नहीं? खाना पीना तो रोज रास्ते में मिलता रहता है, पूरी सब्जी कढ़ी चावल, खाने की दिक्कत हमें नहीं है। पर यही है कि हम तो सोचे आगे चल रहे हैं, कोई पुलिस वाले मिलेंगे, कोई सर मिलेंगे, बैठवा देंगे। इंतजार में हमको कोई ना कोई बैठवा देंगे।